राजधानी देहरादून के शिक्षा निदेशालय ननूरखेड़ा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर छात्र छात्राओं को भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर सीएम धामी ने हाई स्कूल परीक्षा के टॉपर 157 छात्र छात्राओं के दल को भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण यात्रा पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड आज ऐसे निर्णय ले रहा है जो पूरे देश के लिए बेस्ट प्रैक्टिस साबित हो रहे हैं। इसके तहत ही मेधावी छात्र छात्राओं और देशवासियों को उत्तराखंड की विशिष्टता से भी परिचित कराने का काम करेंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे राज्य के सभी ब्लॉकों से जो मेधावी छात्र और छात्राएं हैं उनको शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम में हमने पहले घोषणा करी थी कि जो भी मेधावी छात्र छात्राएं होंगे हर ब्लॉक से एक छात्र एक छात्रा उनको शैक्षिक भ्रमण पर भेजेंगे और आज ये दल पहली बार यहाँ से शैक्षिक भ्रमण के लिए जा रहा है। निश्चित रूप से इनसे हमारे इन सभी छात्र छात्राओं का एक व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा, इनके व्यक्तित्व का विकास होगा, अन्य ऐतिहासिक और गौरवशाली जो स्थान है हमारे देश के अंदर उन सभी को देखने को मिलेगा और वहाँ की संस्कृति वहाँ की बोली भाषा सभी से परिचित होने का और उनके व्यक्तित्व का विकास का एक सुनहरा अवसर होगा। ये हमारे राज्य की अभिनव पहल है जिसको हमने पहली बार किया है और अभी संख्या लगभग 190 पूरे ब्लॉकों से आई है पूरे राज्य की। इस भ्रमण के बाद हम इस संख्या को भी बढ़ाएंगे जिससे कि हमारे और भी छात्र और छात्राएं प्रोत्साहित होकर मेधावी प्रदर्शन करें, अच्छा काम करें और आगे चलकर देश का नाम रोशन करें, राज्य का नाम रोशन करें।